केमिस्ट्री की, जिसके बाद ऑर्गेनिक बहुत हलवा हलवा बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, इसके रिडक्शन से क्या बनेगा, और कार्बन की वैलेंसी भी। तो देखो, स्टार्ट हम करते हैं सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन से, CH4। अब अगर कलकला को बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन कर, तो देखो इसकी ऑक्सीडेशन पे कोई भी ऐसा कंपाउंड करेगा जिसके लेफ्ट पे आर हो, अल्काइल हो, राइट पे कोई नेगेटिव। ऐसा कौन होता है? एक अल्कोहल होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, और अमाइन होता है, ठीक है जी। और अगर अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड या अमाइन की ऑक्सीडेशन करे तो क्या होता है जनाब? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेफ्ट पे आर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेफ्ट पे आर, लेकिन राइट पे कोई नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो राइट पे पॉजिटिव ऐसे स्ट्रक्चर में आपका एल्डिहाइड हो सकता है या केटो हो सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आते हैं भाई, अट्टे में उनमें ट्रिक से बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा। अब अगर इनका भी ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? तो वैल अब इतनी बात कॉमन रहेगी, यानी आर सी डबल ओ, आर सी डबल ओ, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव देखने मेरे जहन में आता है कि नेगेटिव में OH हो सकता है, एलाइड हो सकता है, NH2 हो सकता है, बिल्कुल जी। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, X लगाएंगे तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, और अगर NH2 लगाएंगे तो ये अमाइड बन जाएगा। ख्याल रहे ये अमाइड है और अमाइन खास वो ये, लेकिन एक और भी बन सकता है, और वो क्या हो सकता है? OR, यानी कि ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड, अमाइड, इसको हैलाइड ग्रुप भी कहते हैं, और ईस्टर। क्या इनकी भी ऑक्सीडेशन हो सकती है? जी हाँ हो सकती है, और इनकी ऑक्सीडेशन में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे भाई जानवर तो बड़ा ही माहिर है, वो तो बहुत चलाक है, वो तो ऐसे ऐसे हर्बे यूज़ करता है कि जिसकी कोई हद नहीं। कल वो उल्टा कर रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन पे क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, अमाइड और ईस्टर। और अगर हम इन चारों की रिडक्शन करते हैं तो क्या बनेगा? रिवर्स ऑर्डर में चल रहे, अब बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करें तो अल्कोहल, एसिटालाइड और अगर इनकी भी रिडक्शन कर दें तो CH4 यानी कि मिथाइल। अब बच्चों एक बड़ी दिलचस्प बात, कोई भी कंपाउंड दरमियान में रहे, फर्ज करो कह देते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करो, तो मेरे भाई ये राइट पे चले जाएंगे, रिडक्शन करोगे ये लेफ्ट पे आ जाएंगे। यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए भी सुपर ट्रिक है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन के लिए भी। अब क्या स्क्रिप्ट से हम कार्बन का ऑक्सीडेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन आखिर होता क्या है? कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ इंटरएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियल फिल्ड पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, इट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब आखिर इस सारी बात का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कार्बन है, स्टेबल है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है, वैलेंसी पूरी है इसकी, ठीक है, क्या हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड वाले, लेकिन इसके बराबर में जो एक है डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। या फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकेज होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे होते हैं। ये इफेक्ट होता है बेसिकली, अब अगर कहीं देखो कार्बन है और उसके एडजेसेंट में एक ऐसा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कब होता है? डबल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल हो, या पॉजिटिव हो हर सूरत में। तो अब इस कार्बन का जो कि अल्फा कार्बन कहलाएगा इसके बराबर वाला, इसका जो इस पर असर होता है इस चीज़ को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इससे पता क्या चलती है? दो बड़ी अहम चीज़ें फिलहाल मैं बात करूँगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटन। ये किस पे डिपेंड करती है? देखो ये फ्री रेडिकल वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? तीन। तो हम कहेंगे इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी है? तीन है। यहाँ देखो फिर फ्री रेडिकल है, तीन और तीन कितने हाइड्रोजन हो गए? छः। तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो गई? छः। ये वाला देखो, तीन और तीन छः, और तीन कितनी हो गई? नौ। हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो गई? नौ। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, यानी इन तीनों में ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल।
और जो ट्रेंड फ्री रेडिकल का होता है वही कार्बोकैटायन का होता है। ये देखो पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन। कितनी होगी? 3 हाइड्रोजन है एडजेसेंट वाले कार्बन में, देखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन 3। यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 और 3 6। यहाँ कितनी हो जाएगी? 3 और 3 और 3 9। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये।